हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीओ जेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो 10 दिन रिजर्व रखे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, ये किस लिए रखे गए हैं। आखिर के जो 10 दिन हैं उनके अंदर आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन और रिपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, वैक्सीन आपको लगवा के जानी या नहीं लगवानी, रिपोर्ट आपको लेके जानी या नहीं लेके जानी, वो इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट द पॉइंट हम जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट तो ये कि 10 दिनों के अंदर आपकी फाइनल जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि है कि जिस भी आप रूटीन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मेरा रूटीन बताया हुआ वो फॉलो कर रहे हैं, आपका खुद का है या फिर किसी और का बताया हुआ फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ आप 10 दिनों के लिए अब उसी को फॉलो कीजिए। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि 10 दिनों के अंदर आप कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करोगे। यानी कि अभी मुझे पता है कि जिसके पे यहाँ पर 28 जून या फिर 29 जून से जिसके भी फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, उनको एक अलग सी घबराहट हो रही होगी कि हमारे फिजिकल तो नज़दीक आ गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी 9 दिन है, अभी 8 दिन है, ऐसे घटते आएंगे ना। वैसे वैसे आपको एक यहाँ पर घबराहट सी होगी, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिसने भी तैयारी की है ना, उन सभी को एक घबराहट होती है। आप कभी भी देख लीजिए कि जिस भी, यानी कि आप सभी एग्जाम की तैयारी करो या फिर फिजिकल की तैयारी करो, आप सभी को कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील होता है कि हमने इतनी तैयारी की है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो वो मैं समझ सकता हूँ, जो तैयारी करता है वही घबराता है। जिसको तैयारी नहीं करनी थी, जिसको फिजिकल से कोई मतलब नहीं, वो क्यों घबराएगा, वो जाके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ को मत सोचिए कि हमारा फिजिकल होगा या नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ में फिजिकल की तैयारी करते हैं, आपका फिजिकल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अभी आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर जिसको भी प्रॉब्लम है, वो प्लीज़ वीडियो पहले से बनाए हुए हैं उनको देख लीजिए। बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि सर लॉन्ग जंप और हाई जंप का बता दीजिए। देखिए, कमेंट सेक्शन के अंदर इतनी लंबी आपको बात नहीं बता सकता, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो पहले के वो देख सकते हैं। उसके बाद में मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अभी आपको खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि आप सभी की यहाँ पर माइंड की जगह बॉडी ज़्यादा काम आने वाली है। जितना भी बॉडी के अंदर आप रिलैक्स करोगे, जितने आपकी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स के अंदर रहेगी, आराम से रहेगी, बिना किसी चोट मोच के रहोगे, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, फिजिकल करने में उतनी आसानी हो जाएगी। अभी मैं आपको बताऊँगा कि जब लास्ट के दो दिन बचेंगे ना, उस टाइम को आपको मैं बताऊँगा कि अभी आपको क्या करना है। इसलिए आपका कहने का मतलब मेरा यही है कि जिस भी तरीके से आप तैयारी करें, उस तरीकों को यहाँ पर मैनेज करते रहिए। आप सभी को क्या करना है, और कोई भी नया तरीका नहीं अपनाना है। उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट के ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं, वो ये कि आखिर ये 10 दिन रिजर्व रखे क्यों हैं। ठीक है, रखे क्यों हैं, इसलिए कि हमें यही नहीं पता कि 10 दिन रिजर्व क्यों रखे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रीजन नंबर एक। ठीक है, रीजन नंबर एक वो ये कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोरोना पॉजिटिव कोई कैंडिडेट पाया जाता है, उसी तरह जैसे एक बार एनटीपीसी के अंदर आप सभी ने देखा होगा एग्जाम के अंदर कि जो भी कोरोना पॉजिटिव थे उनके जो एग्जाम वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, उसी तरीके से यहाँ पर 10 दिन रिजर्व इसीलिए रखे गए हैं कि स्टार्टिंग के दिनों में जो भी कोरोना पॉजिटिव मिला उसका जो फिजिकल है वो 10 दिन जो रिजर्व रखे गए हैं उनके अंदर हो सकता है। रीजन नंबर दो, यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट को, जैसे कि आप सभी का किसी का, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि 30 जून को आपका फिजिकल है, ठीक है, 30 जून को फिजिकल है, 30 जून के दिन यहाँ पर भारी बारिश हो गई, ठीक है, भारी बारिश हो रही है, यहाँ पर कैंडिडेट्स किसी के तरीके से पहुँच नहीं पाए, या फिर ग्राउंड के अंदर इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि वहाँ पर रेस लगवाई नहीं जा सकती, उनका क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 30 जून वालों को यहाँ पर 1 जुलाई को यहाँ पर फिजिकल करवा दिए जाएंगे, क्योंकि उस तारीख के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके फिजिकल यहाँ पर पहले से ही फिक्स करके रखे हैं। जैसे कि 1 जुलाई वालों का थोड़ी ना हटा देंगे उस तरीके से, 30 जून के लिए 1 जुलाई वालों का तो नहीं हटा सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अतिरिक्त दिनों के अंदर आपका फिजिकल कर दिया जाएगा। आप सभी को यही बात समझनी है, जिस भी कैंडिडेट के कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोरोना पॉजिटिव है या फिर वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है, उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यहाँ पर पोस्टपोन ये आपका फिजिकल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा, मैंने बताया कि ग्राउंड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपका जो फिजिकल है वो आगे इन 10 दिनों के अंदर पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं कि वैक्सीन और रिपोर्ट के अंदर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना फिजिकल ही नहीं देखा है कि हमारा फिजिकल आखिर है किस तारीख को। वो भैया प्लीज़ अपना
जो भी लिस्ट है वो प्लीज़ अपने रोल नंबर से या फिर अपने नेम से चेक कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर किसी और की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगा, उसके ऊपर आपको मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको निकाल के दे दूँगा। मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स के वहाँ पर फिजिकल के जो डिटेल्स हैं वो निकाल के दी हैं, तो आप भी वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। चलिए मेन पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्सीन है वो लगवा के जानी या नहीं लगवा के जानी। देखिए, वैक्सीनेशन आपको नहीं करवाना है, ठीक है, अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं है। और आप सभी को पता है कि अगर एडमिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ देना होता तो वहाँ पर शायद पहले भी ये नोटिस जारी कर दिया जाता आप सभी के लिए कि वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, ठीक है। उसके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि रिपोर्ट आपको लगवा के जानी या नहीं। तो रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर यह कहूँगा कि रिपोर्ट आप बनवा लीजिएगा, आप जैसे अपनी जाँच करवाओगे वहाँ पर आपकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर से करवा सकते हैं। वो जो रिपोर्ट आएगी वो अभी नहीं करवानी आपको, वो एडमिट कार्ड के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा कि इस दिन से लेकर और इस दिन तक आपकी रिपोर्ट है वो तैयार होनी चाहिए, यानी कि लास्ट वो आप वो मांगे कि लास्ट जो आखिरी 48 घंटे हैं उसके अंदर, आखिरी 72 घंटे हैं उसके अंदर, वो वहाँ पर आपको घंटों के हिसाब से या फिर डे के हिसाब से बता दिया जाएगा, ठीक है। आप एडमिट कार्ड का थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं वैक्सीन का कि वैक्सीन जो होती है वो यहाँ पर आप सभी को पता है कि दो डोज लगते हैं वैक्सीन के, ठीक है, दो डोज लगाए जाते हैं। तो एक डोज से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, अगर इनको लगवानी होती तो अब तक कोई ना कोई पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। आप अभी निश्चिंत रहिए, वैक्सीन के चांसेज हैं यहाँ पर 99% यही चांसेज हैं। देखिए, 1% तो कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 99% यहाँ पर कि वैक्सीन तो आपको नहीं लगवानी, लेकिन वहीं पर आपको रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो यहाँ पर मैं बता दूं कि 100% आपसे मांगी ही जाएगी, क्योंकि बहुत से एग्जाम जो हुए हैं उनके अंदर भी ऐसी, जो राजस्थान पुलिस की पिछली बार जो अभी एग्जाम हुई है 2020 के अंदर, उसके अंदर भी वहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म आता है वो भी वहाँ पर मांगा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपके जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप सभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आगे जो वीडियो हो वो आपको किस पॉइंट के ऊपर चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिजिकल से रिलेटेड या फिर दिल्ली पुलिस के किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं हर मुमकिन आपके जवाब देता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।